So I'm starting my day off by frying puri. Papa ke liye puriya tal rahi hu. Mere liye to breakfast ready hai. This is not my breakfast. This is for papa. Oh. Okay. Garam garam puri. Yeah. So good morning, welcome to my new vlog. So I'm starting my day off with having this yummy yummy chocolate mousse jo ki oats se bana hai. Iske saath thode fruits hote to aur maza aa jata. But I just had dry fruits. Good morning. Good morning. आज सुबह सुबह इसके फ्रेंड के बिना आ गई है. इसका फ्रेंड ओके 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 चली गई. दैट बॉय गोइंग ऑफिस. हाँ, इसका फ्रेंड जो है ना वो उसकी मम्मी के साथ ऑफिस जा रहा है, सो वो नहीं आया. सो शी इज हियर. 1 o'clock आएगा. 1 o'clock आएगा. ओके ओके. गोटू ने डुगी को सोफा समझ के उसके ऊपर आराम से विराज के लाड कर रही है डुगू को. लुक एट द स्टाइल. उठ गई. तो आई एम मेकिंग दाल मखनी टुडे. रेसिपी शूट नहीं कर रही हूँ मैं, बस ऐसे ही सिंपल सी दाल मखनी बना रही हूँ फॉर लंच. दाल मखनी एंड रोटी. एंड दाल भी थोड़ी कच्ची है तो वापस से इसको रखना पड़ रहा है. Have my lunch ready, जो कि है दाल मखनी एंड दिस ट्रायंगल शेप्ड पराठा. मेरे स्कूल के पास ना, मैं जब छोटी थी वहाँ पे लाइक एक मेस टाइप था. नॉट एग्जैक्टली मेस, लेकिन कॉलेज स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स उधर खाना खाने जाते थे नॉर्थ के लोग. तो उधर ऐसी ट्रायंगल शेप की चपाती बनाते थे, तो मम्मी को मैं हमेशा खा करती थी. मम्मी वैसे ही बना के तो बहुत ही यम्मी बनती है. सो दिस इज ट्रायंगल शेप पराठा चपाती टाइप एंड दाल मखनी है. यम्मी यम्मी. रेसिपी शूट नहीं की है मैंने बिकॉज इट्स जस्ट सिंपल दाल मखनी, बट अच्छी है. एंड वी हैव गोटू अगेन, जो कि चिप्स के पैकेट के साथ आई है, इसीलिए डुगी डुगी नो नहीं चल मैंने चल मैंने चल ये इसका पैकेट चल मैंने इसका पैकेट के चिप्स चिप्स का पैकेट इधर पॉकेट में पैकेट का चिप्स डुगी लुक वेट 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 डुगी लेना तो वेट डाउन डाउन आई खा ले सब कुछ खाती है लेकिन खिलाना नहीं है इसको. सॉल्ट खिला सकते हैं. नो नो मीठा नो तीखा विदाउट सॉल्ट. नहीं बाल झड़ते इसके बाद. हाँ वो खिला सकते हैं. फ्रूट्स फ्रूट्स इज ओके. नेचुरल स्वीट है ना, नेचुरल है ना, शुगर नहीं खिलाना. हाँ लेकिन नेचुरल नो खाना मेरी तरह ही फूडी है, खाना बहुत पसंद मैंने. थैंक यू. हैव अ पार्सल फ्रॉम अमेज़न. वो लेने जा रहे हैं हम. अंकल उधर खड़े हुए इधर. नहीं नहीं वट वट गेट खोलना. तो ये वाला भैया है. मैं पकड़ प्लीज. तो गाइस
इसे ले रही है। ये क्या है? कुछ है स्पेशल, कुछ तो घट्टा घट्टा दिख रहा है। चेंज चाहिए था तो गोटू ऊपर जाके चेंज लिख के दे दे। 30 रुपीस चेंज। अब इसको एक खोलने वाली है। Let's unpack, unwrap our parcel, जो कि मैंने, मुझे पता है क्या अंदर। Let's see if Godu knows it or no. देखते हैं इसको क्या बोलती है ये। Okay, this is the cheese. बताओ ये क्या है? मुझे बतानी है। हम्म, मुझे बतानी है तो इधर इधर लिखा हुआ है क्या है? ODDY. ये for breaking. Baking. For baking. मतलब केक सब बनाने के लिए है ये। नीचे रख के बनाते हैं ना, पार्चमेंट पेपर। सो वी हैव आवर बटर पेपर जो कि मैंने बेकिंग में काम आएगा। बटर पेपर मतलब जो अगर आप कुछ बना रहे हो तो नीचे वो वेजल को चिपके ना, इसीलिए ये बिछा के उसके ऊपर रखते हैं। केक का। हाँ। केक बनाऊंगी आज? आज नहीं, कभी बनाऊंगी तो उसके लिए चाहिए। इधर नहीं मिल रहा था मुझे, सो आई गॉट इट फ्रॉम Amazon. Amazon में कितना महंगा लगता है? नहीं नहीं नहीं, महंगा नहीं है ये। महंगा है। ओपन, ये अंदर रोल के जैसे आता है, जितना चाहिए उतना हम कट करके यूज कर सकते हैं, शायद वैसा ही है। आधा खुला, इतनी जोर लगा के खोल रही है इसको, फिर भी नहीं खुल पा रहा है ये। ओके, आई थिंक वी ओपन्ड इट। डिड वी? डुगी नो नो, उछलेगी वो आके पूरा खराब कर देगी। शो, निकालो बाहर। हाँ, दिस इज द पार्च। ओ ओ ओ, रोल खराब है। एक सेकेंड, पुट इट बैक। रोल क्यों नहीं निकल रहा है? हाँ हाँ, ओके ओके, बस बस इतना ही है। हाँ, 5 meters का कुछ है। सो दिस इज द पार्चमेंट पेपर। बहुत स्लिपरी है। Yes, so this is the parchment paper, butter paper that I ordered. Butter ki smell nahi aa rahi hai. तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, बारिश आ रही थी, उस वजह से मम्मी ने गरम गरम तोरी के पकौड़े बनाए, तोरमी के। तो वेदर के हिसाब से मम्मी ने गरम गरम तोरमी के पकौड़े बनाए, अलॉन्ग विथ सम वाटरमेलन जूस एंड मैं सो गई थी। उठते ही मैंने नो बेक चीज़ केक बनाई है, रेसिपी फ्रिज में रख दी है, तो सुबह तक सेट हो जाएगा। रेसिपी शूट की है मैंने, कम्प्लीटली हेल्दी एंड देखते कैसा बनता है, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं। एंड या बस अभी खाऊंगी, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, 7:30 कुछ बज रहा है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टेस्ट वीडियो। डूगी को भी पकौड़ा खाना है। सो या आई थिंक दैट्स इट फॉर टेस्ट वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉय माय टेस्ट वीडियो। हैविंग सेड दैट, दैट्स इट फॉर टेस्ट व्लॉग। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, एंड सी यू गाइस नेक्स्ट व्लॉग।